Hello everyone, welcome to Elite. I'm Chandan Jha, your English trainer. 30 days spoken English challenge के तहत आज हम लोग video lecture 9 start करने वाले हैं. इस video में हम लोग past perfect detail में पढ़ेंगे, इसके structures, uses, affirmative sentence कैसे बनाते हैं, negative कैसे बनाते हैं, interrogative कैसे बनाते हैं, complete detail में इस video में हम लोग सीखने वाले हैं. तो हम लोग सबसे पहले start करते हैं structures से. तो चलिए हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. अफर्मेटिव मीन्स होता है पॉजिटिव, यानी अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, हाँ वाला सेंटेंस बनाना है पास्ट परफेक्ट में, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा एंड सब्जेक्ट के बाद हैड लिखना होगा. सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करेंगे. उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज होगा. लास्ट में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एंड देन फुल स्टॉप यूज होगा. जैसे कबीर हैड लेफ्ट, कबीर चला गया. इसमें कबीर सब्जेक्ट है, कबीर के बाद हैड यूज हुआ और उसके बाद भीतरी. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दिए उसको. अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा और सब्जेक्ट के बाद हैडंट या हैड नॉट, अलग अलग भी आप लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं जैसे हैड नॉट, अलग अलग लिख सकते हैं, या एक साथ हैडंट लिख सकते हैं. उसके बाद V3 एंड देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, कबीर हैडंट लेफ्ट, कबीर नहीं गया. यानी नेगेटिव में आप बात कर रहे हैं इसीलिए हैडंट यूज हुआ. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं. एक को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, दूसरे को WH क्वेश्चन. यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं. तो अगर आपको पास्ट परफेक्ट में यस नो क्वेश्चन बनाना है तो आपको सेंटेंस स्टार्ट करना होगा हैड से, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, हैड कबीर लेफ्ट, क्या कबीर चला गया. और यस नो क्वेश्चन का रिप्लाई हमेशा यस या नो में होता है, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. सबसे पहले आपको यस लिखना होगा अगर आप हाँ में जवाब दे रहे हैं, उसके बाद कॉमा, उसके बाद प्रोनाउन एंड देन हैड, लास्ट में फुल स्टॉप यूज करते हैं. नेगेटिव में सबसे पहले नो एंड देन कॉमा, देन प्रोनाउन एंड देन हैडंट, और उसके बाद फुल स्टॉप. याद रखिए, प्रोनाउन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, 7 है, आई वी यू दे ही शी इट, इसी से आप रिप्लाई करेंगे. जैसे क्वेश्चन हमारा था हैड कबीर लेफ्ट, क्या कबीर चला गया. अब आपको जवाब देना है हाँ चला गया, तो आप बोलेंगे यस कॉमा ही होगा, क्योंकि कबीर नाउन है, इसका प्रोनाउन आपको यूज करना पड़ेगा, और चूंकि कबीर लड़का का नाम है इसीलिए ही होगा, ही लेफ्ट. यस ही हैड, यस ही हैड, आप लेफ्ट यहां पर यूज नहीं कर सकते. अगर आपको ना में बोलना है, नो ही हैडंट, नहीं हुआ, नहीं गया. अगला टाइप होता है क्वेश्चन का WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं जो W या H से स्टार्ट होता है. इसकी संख्या 9 है सिर्फ इंग्लिश में. तो 9 वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को WH बोलते हैं. इसका जवाब आप हाँ या ना में प्रायः नहीं दे सकते, आपको बोलना पड़ता है. जैसे What had they found? उन लोगों को क्या मिला. यहां पर सेंटेंस हैड से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जैसे यस नो क्वेश्चन बनाते हैं वैसे ही हैड, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन V3. तो What had they found? उन्हें क्या मिला. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट का यूज कहां पर करते हैं. पास्ट परफेक्ट का यूज हम लोग कोई भी फिनिश्ड एक्शन है, कोई भी फिनिश्ड इवेंट्स है, उसको बताने के लिए करते हैं. लेकिन यह सिंपल पास्ट से थोड़ा अलग है. सिंपल पास्ट में हम लोग वन इंसिडेंट, वन इवेंट को बताते थे या सीरीज ऑफ इवेंट्स को बताते थे. लेकिन पास्ट परफेक्ट का यूज आप तब करें जब आपको टू इवेंट्स को एक साथ एक सेंटेंस में बताना हो. यानी पास्ट परफेक्ट का यूज वन इवेंट को बताने के लिए नहीं करना चाहिए. हालांकि हमेशा गलत होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उसके गलत होने की है. तो पास्ट परफेक्ट का यूज आप तब करेंगे जब टू इवेंट्स को मिलाकर आप एक सेंटेंस में उसको बताना चाह रहे हैं. तो एक पार्ट के साथ पास्ट परफेक्ट और दूसरे के साथ सिंपल पास्ट यूज होता है. अब ये कैसे यूज करते हैं उसको समझते हैं. मैंने लिखा है यूज में टू टॉक अबाउट, यानी किसी चीज के बारे में बात करना. किस चीज के बारे में,
एन इवेंट, किसी घटना के बारे में, विच हैपेंड, जो हुआ बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट, यानी पास्ट में एक घटना घटी उसके पहले दूसरी घटना घटी, उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। यानी आप अगर इसको अदर वर्ड्स में समझें तो टू इवेंट्स होना चाहिए एक सेंटेंस में, तभी आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। ये जो टू इवेंट्स है इसको हम लोग, एक इवेंट पहले हुआ और एक बाद में हुआ, हैपेंड फर्स्ट, हैपेंड फर्स्ट, एंड जो सेकेंड इंसिडेंट था, इवेंट था, वह बाद में हुआ, हैपेंड सेकेंड। यानी दो इवेंट हुआ, दो घटना घटी, कंप्लीट हो गया पास्ट में, एक पहले हुआ और एक उसके बाद हुआ, और ये बताना जरूरी है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। अगर ये सिचुएशन हो कि बताना जरूरी है कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में हुआ, तो जो पहले होगा इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होगा उसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे, सिंपल पास्ट। इसका यूज हम लोग तब करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग तब करेंगे जब बताना जरूरी हो कि कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में हुई। लेकिन आप इसको ए मान लेते हैं, बी, अगर बताना जरूरी नहीं है, आप सिंपली दोनों घटना को एक सीरीज की तरह ले रहे हैं, तब आप इसको भी सिंपल पास्ट में बना सकते हैं, सिंपल पास्ट हैपन, सिंपल पास्ट में बना सकते हैं, और सेकेंड जो घटा इसको भी आप सिंपल पास्ट में बना सकते हैं, दोनों को ही सिंपल पास्ट में बना सकते हैं। यानी इसका यूज हम लोग करते हैं सीरीज के लिए और which happened first, दोबारा से मैं एक समराइज करके बताऊं, अगर आपको एक सेंटेंस में टू इवेंट्स को बताना हो कि ये पहला इंसिडेंट ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ, ये क्लियर करना जरूरी है कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी घटना बाद में घटी। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो जो घटना पहले घटी उसको पास्ट परफेक्ट में, जो घटना बाद में घटा उसको आप सिंपल पास्ट में बनाएंगे एक सेंटेंस में। लेकिन आपको ये बताना जरूरी नहीं है, आप सिंपली एक सीरीज को बता रहे हैं, ये ऐसे सीरीज में कोई काम चल रहा था, यानी घटना घटी सीरीज में घटी, और इम्पॉर्टेंट नहीं है बताना कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, तो दोनों को ही आप सिंपल पास्ट में बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम टू इवेंट्स के बारे में बात करें तो उसको हम लोग कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, चूंकि आपके पास दो ऑप्शन है, पहले जो घटना घटी उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, जो घटना सेकेंड घटा उसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाते हैं जब हमें अंतर बताने की जरूरत होती है। जब अंतर बताने की जरूरत नहीं है तो दोनों ही इवेंट्स को सिंपल पास्ट में बना सकते हैं। तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन आई टर्न ऑन द टीवी, ये सिंपल पास्ट में है, जब मैंने टेलीविजन स्टार्ट किया यानी टेलीविजन ऑन किया, आई हर्ड द न्यूज, मैंने न्यूज सुना, दोनों ही सिंपल पास्ट में है, ये एक सीरीज का पार्ट है, टेलीविजन ऑन किए न्यूज देखे और न्यूज में आपने जाना या न्यूज आपको सुनाई दिया, तो क्या हुआ, टेलीविजन खोलते ही इमीडिएटली हर्ड द न्यूज, आपने न्यूज सुना, यानी एक सीरीज का पार्ट है। रिमोटली टेलीविजन आपने ऑन किया, टेलीविजन ऑन किया, न्यूज आपने सुना, तो ये एक सीरीज का पार्ट है। इसमें ये नहीं बता रहे पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ, ये नेचुरली अंडरस्टूड फैक्ट है, ये एक सीरीज का हिस्सा है, इसीलिए यहां बताने की जरूरत नहीं है कि पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, इसलिए दोनों ही सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाया गया है। अगला एग्जाम्पल, व्हेन माई फ्रेंड फोन्ड, सिंपल पास्ट में, जब मेरा दोस्त फोन किया, आई हैड हर्ड द न्यूज, मैंने न्यूज सुन लिया था, यानी इसमें मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि दो घटना घटी, दोस्त ने फोन किया और मैंने न्यूज सुना।
इसमें मैं क्लियर ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने न्यूज़ पहले ही सुन लिया था, दोस्त ने बाद में कॉल किया। तो इस क्लियरिटी को बताने के लिए जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में बताना पड़ेगा, और इसीलिए जो सेकंड सेंटेंस है इसे पास्ट परफेक्ट में बताया गया है। आई हैड हर्ड द न्यूज़, पहले मैंने न्यूज़ सुना। बाद में क्या हुआ? बाद में मेरा दोस्त मुझे फोन किया, यानी व्हेन माय फ्रेंड फोन्ड आई हैड हर्ड द न्यूज, जब मेरा दोस्त फोन किया उससे पहले ही मैंने न्यूज सुन लिया था। तो क्या होगा? आई हर्ड द न्यूज बिफोर माय फ्रेंड फोन्ड, मेरा दोस्त जब फोन किया उससे पहले ही मैंने न्यूज सुन लिया था। एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर दो इवेंट है, एक पहले घटा एक बाद में घटा, जरूरी नहीं है जो पहले घटा उसको आप स्टार्टिंग में लिखें या फिर जो बाद में घटा उसको स्टार्टिंग में लिखें। आप दोनों में से किसी भी पार्ट से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, जो पहले घटा उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो बाद में घटा उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कनेक्टर्स यूज करते हैं यानी कंजंक्शन यूज करते हैं जोड़ने वाला, अगर उससे सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बीच में सेंटेंस जोड़ने के लिए कॉमा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप वेन यहां पर लिखते तो आपको कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, और यहां कनेक्टर है व्हाट, तो कॉमा की जरूरत नहीं पड़ी। आई हैड, व्हाट आई हैड सीन, मैंने जो देखा मैंने उसे बता दिया। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बता दिया। व्हाट आई हैड सीन, जो मैंने देखा। यहां मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, पहले मैंने देखा फिर मैंने बताया, यानी मैंने कुछ नहीं बता दिया, पहले देखा फिर बताया, इसीलिए जो घटना पहले घटी उसको पास्ट परफेक्ट में बनाए। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन आई वॉच्ड एलीट वीडियो, जब मैंने एलीट का वीडियो देखा। आई सब्सक्राइब्ड द चैनल, मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया। एक सीरीज का पार्ट है, वीडियो देखा और इमीडिएटली मैंने सब्सक्राइब किया, इसीलिए दोनों ही इवेंट्स को सिंपल पास्ट में बनाया गया है। नेक्स्ट है, राहुल हैड स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी, राहुल ने टेलीविजन देखना बंद कर दिया। बिफोर हिज मदर केम, बिफोर हिज मदर केम, यानी राहुल के मम्मी के आने से पहले राहुल ने टेलीविजन देखना बंद कर दिया। तो पहले टेलीविजन बंद किया, बाद में मम्मी आई, इसीलिए फर्स्ट इवेंट था टेलीविजन का बंद करना, उसको हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है, और बाद में मम्मी आई उसको सिंपल पास्ट में बनाया गया है। यहां पर क्लियर करना जरूरी था कि कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में। तो आप पास्ट परफेक्ट का यूज अगर एक सेंटेंस में एक ही इवेंट बताना हो तो नहीं कीजिए, एडवाइजेबल नहीं है। एक सेंटेंस में अगर आप टू इवेंट्स को बताना चाहते हैं तो जो घटना पहले घटी उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में घटा उसको सिंपल पास्ट में बना सकते हैं। अगर आपको अंतर बताना जरूरी है कि कौन पहले कौन बाद में, अगर आप अंतर नहीं बताना चाहते हैं तो आप दोनों को सिंपल पास्ट में बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंटेंस में forgot, remembered, realized या new यूज करना हो तो इसके बाद जो सेंटेंस होगा वह पास्ट परफेक्ट में आपको यूज करना पड़ेगा, यानी with forget, forgot, remembered, realized, new, we use past perfect to describe the past events that happened before another। यानी अगर एक पार्ट में आपने इस चारों में से कोई वर्ड यूज किया है तो सेकेंड पार्ट में आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे ही रियलाइज्ड, इसमें रियलाइज्ड आ गया, इस पार्ट में उसने रियलाइज किया। क्या? ही हैड मेड अ मिस्टेक, उसने गलती कर दी। तो यहां सेकेंड पार्ट जो है इसमें हैड के साथ आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट में आएगा। नेक्स्ट, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। दैट I hadn't paid the bill, मैंने बिल पे नहीं किया है वह मुझे याद आया। फर्स्ट पार्ट में remembered है तो सेकेंड पार्ट में had के साथ होगा, यानी past perfect में बोलना होगा। या hadn't यूज हुआ है क्योंकि नेगेटिव में सेंटेंस है। नेक्स्ट, I knew, मैं जानता था। I had pressed the wrong key, न्यू मतलब समझ में आ गया, मतलब आई नो मतलब जानना, मैं जान गया कि मैंने गलत बटन दबा दिया, क्योंकि रिजल्ट कुछ गलत आया तो मुझे पता चल गया कि मैंने गलत बटन दबा दिया। तो यहां पर न्यू यूज किए हैं, इसलिए अगला पार्ट पास्ट परफेक्ट से बनाना पड़ा। नेक्स्ट,
ही फॉरगॉट दैट, उस वह भूल गया, यहां फॉरगॉट यूज है, इसलिए अगला पार्ट पास्ट परफेक्ट में होगा. ही हैड बोरोड मनी फ्रॉम मी, वह भूल गया कि वह मुझसे पैसा लिया था, उधार लिया था. तो अगर आपको सेंटेंस में forgot, remembered, realized और new यूज करना हो तो उसके बाद वाले पार्ट में अगला इवेंट को बताने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट ही यूज करना पड़ेगा. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कुछ टाइम एक्सप्रेशंस का. इसमें दो हम लोग आज देखेंगे, एज सून एज और बाय द टाइम. एज सून एज और बाय द टाइम के साथ आप पास्ट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं और सिंपल पास्ट भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी. आप चाहें तो एज सून एज के साथ सिंपल पास्ट यूज कीजिए या पास्ट परफेक्ट. उसी तरह से बाय द टाइम के साथ आप सिंपल पास्ट यूज कीजिए या पास्ट परफेक्ट यूज कीजिए, कोई अंतर नहीं है. एज सून एज का मतलब होता है जितनी जल्दी, जैसे ही, आप इसके लिए यूज करते हैं एज सून एज. बाय द टाइम मतलब समय बताने के लिए, उस समय तक या जैसे ही. बाय द टाइम का भी यूज आप कर सकते हैं जैसे ही के सेंस में, जैसे हिंदी में समझते हैं एज सून एज आई हैड सेट डाउन, जैसे ही मैंने बैठा, जैसे ही मैं बैठा. सिट मीन्स होता है बैठना, सिट डाउन मीन्स बैठना नीचे, और सिट का थर्ड फॉर्म सिट, सैट सैट होता है, तो सैट डाउन. एज सून एज आई हैड सेट डाउन, जैसे ही मैं बैठा. Somebody knocked the door, किसी ने दरवाजा खटखटाया, यानी पहले मैं बैठा उसके बाद दरवाजा खटखटाया, तो I had sat down है. आप चाहें तो I sat down भी यूज कर सकते हैं. Had को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यानी had यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाय द टाइम ही रिस्ट द पार्टी, जब तक. बाय द टाइम का हिंदी टिपिकल हिंदी हो जाएगा जब तक, जब तक वह पार्टी में पहुंचता. Everybody had gone, जब तक वह पार्टी में पहुंचा, सॉरी इंसिडेंट फिनिश हो गया. बाय द टाइम ही रिस्ट द पार्टी, जब तक वह पार्टी में पहुंचा. Everybody had gone, सभी लोग चले गए थे. या everybody, ये घटना बाद में घटी तो इसीलिए यहां had लगा हुआ है. आप अगर had हटा देते तो सेंटेंस यहां पर गलत हो जाएगा. नेक्स्ट, By the time she reached the station, the train had left. जब तक वह स्टेशन पे पहुंचती, ट्रेन चली गई थी, यानी पहले ट्रेन गई, इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट में बनाए, और वह पहुंची ट्रेन जाने के बाद, इसीलिए इसको हम लोग सिंपल पास्ट में बताए. तो अब मैं आपको समराइज फॉर्म में बता दूं, पास्ट परफेक्ट का यूज हम लोग किसी भी एक सेंटेंस में अगर एक ही इवेंट हो तो बताने के लिए नहीं करेंगे. सिंपल पास्ट का यूज हम लोग करते हैं जब टू इवेंट्स को एक सेंटेंस की मदद से बताना हो, तो हम लोग जो घटना पहले घटी उसको पास्ट परफेक्ट में, जो घटना बाद में घटी उसको सिंपल पास्ट में बताते हैं. लेकिन अगर आप अंतर नहीं बताना चाहते हैं, टू इवेंट्स, दो घटना घटी लेकिन वो सीरीज का पार्ट है, तो दोनों को सिंपल पास्ट में भी बना सकते हैं. यानी आई सिंगल इवेंट के लिए केवल सिंपल पास्ट यूज करेंगे, और अगर आपको टू इवेंट्स एक सेंटेंस में बोलना हो, वहां भी दोनों ही इवेंट को सिंपल पास्ट में बना सकते हैं. अगर बताना जरूरी हो कौन पहले कौन बाद में, तो पहले जो घटा उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज होगा. तो पास्ट परफेक्ट का हम लोग मिनिमम यूज करते हैं. अगर आपको वीडियो समझने में दिक्कत हुई हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पर पिछला जितना भी वीडियो है उसको आप जरूर देख लें, तभी आपको 100% रिजल्ट मिल पाएगा. इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.